तो चलिए बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। और आज की बड़ी खबर जुड़ी है एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन से। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। कभी ऐश्वर्या राय का सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो जाता है तो कभी उनका कोई बयान सुर्खियों में आ जाता है। देश में ही नहीं विदेशों में भी ऐश्वर्या राय अपनी खूबसूरती और टैलेंट से सभी का दिल जीतने वाली हैं। ऐश्वर्या राय को बड़े पर्दे पर दोबारा से देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड भी हैं। और इन्हीं खबरों के बीच बताया जा रहा है कि अब ऐश्वर्या राय RRR और बाहुबली के निर्देशक SS राजामौली की फिल्म में नजर आ सकती हैं। जी हाँ, बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन दक्षिण भारतीय फिल्मकार SS राजामौली की फिल्म में काम कर सकती हैं। SS राजामौली ने RRR और बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं और चर्चा यह भी है कि राजामौली जल्द ही ऐश्वर्या राय को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऐश्वर्या राय के फैंस उन्हें SS राजामौली की फिल्म में देखने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। ऐश्वर्या राय जल्द ही फिल्म पोनिनियन सेल्वन में लीड रोल में दिखाई देंगी। ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी। ऐश्वर्या पोनिनियन सेल्वन में डबल रोल में दिखाई देंगी। फिल्म में एक्ट्रेस मंदाकिनी और नंदिनी का डबल रोल करेंगी। फिल्म को लेकर एक्ट्रेस ने यह भी कहा है कि मैंने मणिरत्नम सर की फिल्म में काम करने के लिए काफी हिम्मत जुटाई, लेकिन इससे मेरा फोकस मेरी फैमिली और आराध्या से बिल्कुल नहीं हटेगा। मेरी फैमिली और बच्ची अभी भी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके बाद ऐश्वर्या सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म थलाइवर 169 में नजर आएंगी। तो बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट न्यूज अपडेट और गॉसिप के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।